आज के इस तारीखी जलसे की सदारत कर रहे जनाब सदर साहब महाराष्ट्र के अंदर, क्यों अव्यवस्था फैला रहे हो भाई? महाराष्ट्र और मुंबई के अंदर दबे कुचले और बेसहारों की लड़ाई लड़ने वाले महाराष्ट्र मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अबू आसिम आजमी साहब, उत्तर प्रदेश से आए सभी सांसदों का नेतृत्व कर रहे हम लोगों के नेता सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, मंच पर बैठे सभी समाजवादी पार्टी के सांसदगण और इस रंग शारदा हाल में मौजूद समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। ज्योतिबा फुले शिवाजी महाराज की धरती को नमन करता हूं और अपने नेता आदरणीय नेताजी के चरणों में भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश से जो सांसद आए हैं ये कोई मामूली लोग नहीं हैं। ये अपने अपने क्षेत्रों से विविधता से भरी हुई खुशबू लेकर के आए हैं जो महाराष्ट्र और मुंबई की धरती पर फैला करके जाएंगे, जिससे आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में महाविकास अघाड़ी अथवा समाजवादी पार्टी को इतनी ताकत दे देना कि महाराष्ट्र में बिना समाजवादी पार्टी के कोई हुकूमत न बनने पाए। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं और इस मुंबई की धरती से यह आह्वान भी करना चाहता हूं, इससे शानदार मौका नहीं हो सकता जब हमें यहां से संकल्प लेकर के जाना है कि आगे आने वाले दिनों में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी मेहनत पूरी शिद्दत के साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनाई है। हम लोगों को मिलकर के इसे राष्ट्रीय पार्टी बनाना है और वो दिन दूर नहीं। हमें संकल्प लेना है इस धरती से कि आगे आने वाले दिनों में आदरणीय अखिलेश यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं जो तेवर और कलेवर आज मुंबई के साथियों ने दिखाया है, जो हम सांसदों का इस्तकबाल किया है, जो स्वागत किया है, वंदन किया है, अभिनंदन किया है, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और इस मौके पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जो लोग कह रहे थे कि 400 सीटें दे दो हम बाबा साहब का संविधान बदलने का काम करेंगे, आज उत्तर प्रदेश ने उनको हैसियत बताने के काम कर दिया है। अब किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के रहते कोई बाबा साहब के संविधान की तरफ बुरी नजर डाल करके भी देख सके। इसलिए साथियों, हम आपसे अंत में, क्योंकि तमाम सांसदों को बोलना है, हमारे मुख्य अतिथि जी को भी सुनना है, आखिरी में चार लाइनों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू और मुसलमान का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज। बहुत बढ़िया भैया।